इंदौर के पंडितनाथ थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात। ज्वेलर्स की दुकान को बनाया चोरों ने निशाना। थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है दुकान। दुकान में रखे सोने चांदी सहित 1,00,000 रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। शातिर चोर DVR भी लेकर हुए फरार। फिलहाल घटना सामने आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सप्ताह भर में दूसरी चोरी की वारदात हुई शहर में। कई मामले में पुलिस आवेदन लेकर साल के अंत की दुहाई देकर कर रही है फरियादी को रवाना। बाहर है ताला तोड़ा दुकान का, वो नहीं खुला तो बाहर मेन गेट है मार्केट का, वो मेन गेट का ताला तोड़ा। मेन गेट का ताला तोड़ने के बाद अंदर जो शटर लगा हुआ साइड में शटर के ताले उसका ताले तोड़ा गया। और उसके बाद उसके अंदर कैमरा लगे हुए, कैमरे के अंदर से उसका DVR तोड़ दिया और तोड़ के ले गए। और दूसरा उसमें चांदी रखी थी, चांदी के कुछ आइटम बने हुए रखे थे, मूर्तियाँ थी भगवान की, चांदी का सामान पूरा लगभग उठा के ले। सुबह में हमने फोन आया देखा तो अंदर की लाइट चालू थी और साइड का शटर टूटा हुआ था। कितने की चोरी हुई है आपके यहाँ? क्या चोरी हुआ? कितना का चांदी के आइटम ही सब चोरी हुई है। कितना चांदी गई है? चांदी का अंदाज 1.5 से 2 किलो के आसपास चांदी का। क्या मूल्य होगा? करीबन 80,000 रुपया। किस तरह CC कैमरा भी था और DVR तोड़ के आया।